बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हाँ। तो दुआ करने के तमाम बहन भाई जिते हो ठीक ठाक होफियत न हो गए। तो सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8:30 का टाइम है। तो सर्दी भी अज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ठंड है, इन्नी ठंड है ना कि हाथ जो ने ना वो बर्फ तरह हो गए ने। तो बिलावल सिरावल के अबू जो ने ना पट्ठे वड्डन आए ने। सर्दी तुहानू नहीं लगी सुबह सुबह? बड़ी सर्दी है। हाँ जी सर्दी बहुत है। हाँ जी तो असी ना नाश्ता नहीं, अज उन्होंने दुध ही नहीं दिता। हाँ जी दुध उन्होंने नहीं दिता। वो कहते ने कि ना तुम पहले वैसे पहले वाले दो तो फिर दुध लैके जाया जे। तो असं आ गए, असं क्या चल अगर नाश्ता नहीं बनया तो कोई गल नहीं, बाकी रावल जो है ना वो भी नाले ही आ गया। लोई करनी नहीं आती रावल ने, उन्हें आए बिलावल दे अबू दे मालकां ने आ दिती सी, पुरानी जी सी पहले, तो उन्होंने फिर वो नवी लोई दे दी दिती है। हाँ जी फटी हुई है। हाँ फटी हुई है, कोई गल नहीं। तो बाकी असी ना पट्ठे वढ़ने वढ़ के ते पहले अज साहब के वढ़ दे पे उन्हें। तो फिर असी जाने अगे मस्जिद की सफाई भी आप करनी है। तो बाकी क्योंकि फिर घर के काम बेशक हो या ना हो लेकिन वो काम करना तो लाजमी है। तो उस तो बाद फिर अटक जावे कोई नाश्ते वगैरह का, नाश्ता हो जाए या दोपहर की रूटीन हो जाए, क्योंकि असी जो जाना तो साढ़े जाद्या करद्या ना दोपहर ही हो जानी है। तो माशाला जो फुल ने ना देख सकते हो कि ना खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। काश के मैं तुहानू ना ये खुशबू सुंघा सकती, इन्नी प्यारी खुशबू आती है ना सरसों की इस मौसम के बहुत ही प्यारी। बाकी असं पहले इन्हों पट्ठे वटावे चुकवावे चुकवा के, क्योंकि इन्होंने अपने भी असी लैके जाने होंगे ने घरे, तो बाकी मालकां दे भी लैके जाने होंगे ने। इस वजह तो ना फिर काफ़ी टाइम लग जाता इन्हों का जो कल आने, तो फिर असी हेल्प कर दें कि असी ना पट्ठे जड़े ने ना इन्हों बनवा दईए। बाकी बिलावल दी तुसी गल करके आए हो ना, तो असी कहने कि बिलावल का मुस्क भी लच्छा बन जाए। उहदे वास्ते ना उन्होंने असी फैसला किया कि मोटरसाइकिल का ना हुनर सिखा दईए, कम अज कम कोई अच्छा मुस्तकबिल हुंदा बन जाए। लेकिन साड़ी मजबूरी हुंदी है कि ना असी कम जो वह ना करे तो इन्हां कोलों कम बहुत कम हुंदा है। इस वजह तो ना उन्हों रखे होया सी लेकिन उहदा मुस्तकबिल खराब हो गया। तो इस वजह तो ना असी क्या चल पढ़ाई तो नहीं असी करवा सके, लेकिन यह है कि कोई हुनर ही चल कम अज कम सिखा दईए। बाकी रावल भी बहुत परेशान है कि ना मेरा स्कूल जो है ना वो खराब हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कुछ भी होने ना वो। बाकी अल्लाह खैर करेगा, जो भी होएगा अल्लाह ताला खैर करेगा। तो असी हुण ना इन्हां नूं पहले पट्ठे चुकवाने चुकवा के उस तो बाद फिर कोई होर करांगे। बहुत सर्दी है, धुंध देखो ना किन्नी धुंध बनी जांदी है। बाकी वो जमीन जो है ना वो वाली दिखाई दे रही होएगी, वो भी मालिका ने बनवा दी है। हो सकता है वो की लगवाना चाहते ने, भिंडी या भिंडी ते प्याज? भिंडी प्याज वगैरह, लेकिन प्याज का बी वगैरह तो उन्होंने लगवाया कोई नहीं। वो ले रहे जमीन तैयार होगी तो चल ले लेंगे। अलहमदुल्ला जी पट्ठे जड़े ने ना वो इन्होंने वाढ लेने। तो सर्दी जो है ना वो इन्नी ज़्यादा है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए ने धुप जो है ना वो निकली नहीं है। तो इन्ने हुण हाथ ना बिल्कुल ही बर्फ तरह हो गए ने बहुत ही। तो हाले तक ना पट्ठे भी असी ना दो गड्ढे होर वढ़ने ने, एक अपने घर वास्ते एक उन्हां वास्ते होर वढ़ना है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा बहुत ही ठंड बनी हुई है। तो असी जो है ना आप ले लवे, लेकिन पैसे जो ने ना बहुत मार दे जांदे ने, की करिए। ते मैं जोड़ा मौसम जो है ना वो बहुत ही खराब है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। रावल जो है ना सर्दी लग रही थी, मैं क्या के ना इन्हें पहले अग बाल के दे दईए ताकि ना ये ठंड तो थोड़ा जहा महसूस हो जाए। तो अग जो है ना वो इन्हें बाल के दे दी है। तो बाकी हुण असी करांगे मस्जिद की सफाई, लेकिन हवा जो है ना वो बहुत तेज़ है। तो सर्दी इस वजह तो ना बहुत ज़्यादा लग रही है, झाड़ू लाना भी ना बहुत ही मुश्किल हो जाना है। लेकिन मस्जिद की सफाई तो जरूर करनी है, क्योंकि अल्लाह का घर है। बाकी बहुत लगी है बेटा, बस करके फिर जाने कोई करने।
जी बाकी अलहमदुलिल्लाह सफाई जो है ना वो असी सारी कर दिती है। देखो माशाल्लाह ना काफ़ी प्यारी सफाई हो गई है। तो बिलावल दे अबू जो ने ना वो भी आ गए ने ते कुछ लकड़ा से जो ने ना ये मालकां दी बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने के ना झाड़ियाँ वगैरह बेचियां से ते उन्होंने जो छांग से ना उन्होंने इत्थे ही रखवा दिती है कि चल इन्होंने इत्थे ही काम करना है तो इत्थे बाली बोली जाएंगे तो उन्हें विचों असी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही बाल लें। ये बहुत उन्होंने मेहरबानी है। तो हम असी ना थोड़िया जी लकड़ा बना के लै जाऊँ क्योंकि ना सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सू होर कोई किसी पासों वसीला भी नहीं है कि असी कितों लकड़ी होर ले बना सकी। इस वजह तो असं इतों ही लैके घर जा रहे हैं। बालन वास्ते तो उन्होंने इतों ही रखिया से लेकिन यह है कि इतराज़ कोई नहीं करते बेशक चुक भी लीए तो उन्होंने आप ही कहा कि तुम चुकी जाओ तो बिलावल दे अबू जो ने ना और कुछ लकड़ा चुक के तो बना रहे हैं। बाकी इस जगह पर ना खूह बहुत ही ज़्यादा कुआं ना डूंगा है इस वजह तो ना असी उत्ते करके ना सारिया लकड़ा रख दतिया ने ताकि कोई भी बंदा ना बेच ना डिग सके। इस वजह तो बहुत ही ज़्यादा तार के लकड़ा रखिया ने तो माशाल्लाह पेपर देखो कि मजबूत है। कहीं छाँव भी ना बहुत ही संघनी है तो गर्मिया के सू बहुत कम देगी क्योंकि जमीन तो बेशक उन्होंने भी ठेके पर ही लई हुई है जिन्हों की असं गड रहे हैं उन्होंने भी ठेके पर ही लई हुई है अपनी माली तो उन्होंने भी नहीं है लेकिन यह है कि तो फिर उन्होंने नाल नाल साडा रिजक चलिया रहेगा जिनी देर तक उन्होंने कोल ठेके पर है। अल्लाह ताला उन्होंने इस तो भी ज़्यादा दे। हम अभी लकड़ा में टुकने टोके तो कि सारिया काट लगे कोई नहीं आप हलवा बना लें ठंडा वैसे ठंडे ठंडे मौसम दे विच ना कोई थोड़ा बहुत मिठा भी चलना ही चाहिए। कोई आटे का भी इंतजाम चल के करना है आटा कोई 2 किलो भी 140 का 150 का तो किलो है तो लेना ही बड़ा मुश्किल है की करिए। एक आटा ही पिना लिया आटा ही बहुत महंगा होया खड़ा आटा ही तक आटा खराब कीते जांदा 5500 तो मान होया पिया तो नहीं मैं लेंदा हुण तो होर महंगा हो गया जो अच्छा होर महंगा हो गया तो जांदा ही नहीं ना तानू पता नहीं हले अलहमदुलिल्लाह लकड़ी जो ने ना साड़ियाँ टुकियां गई ने तो हम असी उन्होंने बाहर निकल कर ला के जा रहे हैं बाहर एक लात मारी था ना रावल ठंड का मारिया ना बुआ खोल के अगे चला गया बाकी लकड़ा जो ने ना साड़ियाँ आ गई ने हले तक साड़ी ना मर्जा की जो दो है ना वो सट्टन वाली पई है सब तो पहले तो मैं दो सट लैनी हाँ तो रावल सर्दी का मारे अंदर चला गया कोई नहीं मैं पहले दो सट लवा उसके बाद फिर कोई रावल बेटा कोई थोड़ी बहुत सूजी लिया के ना तो बना लें माशाल्लाह जो घी है ना सा गर्म हो गया तो मैं ना गोया वगैरह सुट लिया से तो सुट के तो रावल जो है ना वो सूजी ले आया तो मैं क्या छेती छेती बच्चों ना कोई चीज़ बना के दे देव बाकी माशाल्लाह देखो सूजी अपना कलर इन इन्नी देर तक तो भुनना है ना जिन्हें तक के ब्राउन ना हो जाए फिर बच्चे भुखे मावं नहीं ना बर्दाश्त कर सकदियाँ इस वजह तो माँ कहती है कि कोई ना कोई चीज़ ना मेरे बच्चों के पेट चले ही जाए बाकी इन भुन लेने तो भुन के बस 10 मिनट लगन गए बच्चों के भुख का हल हो जाना वैसे भी मिठा काफ़ी दिनों तो बच्चों ने नहीं खाधा से जी तो माशाल्लाह जो सूजी है ना वो साड़ी हो गई है ब्राउन बिल्कुल ही ना अपना कलर
सही कर गई है ते हुण असीं इहदे विच पावांगे आ एक प्याली चीनी दी है ए बिस्मिल्लाह ते बाकी पानी जो है ना वो मैं पहले ही बॉयल करके रखे होया सी ते वो पावांगे ते बिस्मिल्लाह आग बहुत तेज हो गई है इस वजह तो ना मसला बन गया बाकी गरी वगैरह तो नहीं है लेकिन यह है कि बच्चों ना वो आते ने ना कि जिस तरह बिल चाण दा वो बस बन गया लेकिन ना कोई गरी वगैरह ताले को नहीं सी इस वजह तो ना बस मैं जिस तरह का सी मैं बना दिता है तो माशाल्लाह देखो आहिस्ता आहिस्ता रोड़ी जी है ना मर जाएगी माशाल्लाह जो साड़ा हलवा है ना वो हो गया तैयार ते हुण बिलावल रावल नूं बुलाओ बेटा बच्चियां देण लगे आ बिस्मिल्लाह रावल बेटा आ जा चम्मच बेटा अंदरों चौक के लिया लो तो देखो माशाल्लाह रावल रावल किस तरह बने बहुत अच्छा जी तो बच्चे साडे हो गए ने खुश माशाल्लाह सब नु मैं दे दिता है बाकी आज दी वीडियो जो है ना ये असीं नहीं बनानी है क्योंकि ना अगे असीं शेयर नहीं कर सकते ते सानू अपनियां दुआवां दे विच सब बहन भाई याद करिया जे अल्लाह ताला सब बहन भाइयों ने अपने इज्जत मान च रखे अल्लाह ताला सब दियां मुश्किलां दूर करे बाकी अगर हो सके तो सबसक्राइब कर दो ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ बस आगे तक पहुँच सकन इन्हें ही असं इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।